जमुना आ गई है। क्या जमुना? वो देखो आ रही है, घर पे भी आई थी, अब मंदिर में भी आ गई। जमुना आ गई। जमुना? माँ जमुना। चुप। जमुना जी भगवान की बहुत कृपा है, ये तो भगवान की कोई लीला लगती है। अब मैया को सच्चाई पता चल जाएगी। अरे किसका विवाह है? मौसी मौसी जमुना आ गई है। जमुना आ गई। मैया को मुझ पर विश्वास नहीं हुआ था। आई ना जमुना। ये तो अचंभा हो गया, इतना जीवित है। ये तो चमत्कार हो गया। जमुना कौन है आप जानती नहीं? जमुना दामिनी मौसी की पहली बहू है, सुमन की पहली पत्नी। हाँ। यशोदा, कृष्णा यही कह रहा था ना। जमुना नदी में नहीं डूबी है, जमुना जीवित है, वो गोकुल आने वाली है। हमें तो बताया गया था कि पहली पत्नी मर गई है। जमुना हमें तो लगा था तुम मर गई, परंतु तुम तो जिंदा लौट आई हो। अब सच का पता सबको चल जाएगा, समझी? ये तो वही लड़की है जो गोकुल आने के समय में मिली थी। ऋषि मुनियों के साथ थी वो। पंडित जी जल्दी से फेरे शुरू करिए। माँ जब जमुना आ गई तो फेरे क्यों रुक? चुप। चुप करके बैठा रहे मूर्ख कहीं का। वो कहाँ है? वो कौन जमुना? तुम्हारी प्यारी गाय? मारूंगी। देखा कैसे काना जैसे बात करने लगी है? मारूंगी। जमुना कितनी उतावली हो रही हो। तुम्हारे वो वहाँ है। कहाँ? वहाँ देखो वहाँ। सुमन कहां गया वो बालक? शरारत करने की भी एक सीमा होती है, उसने मुझे गड्ढे में गिराने की शरारत की है। मैं उसे दंड दूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। यदि मथुरा नरेश ने यह जान लिया कि एक बालक ने मुझे मार दी है तो वो तो यही सोचेंगे कि अगस्त्य किसी काम का नहीं है, उसे एक बालक भी मार दे सकता है। मथुरा नरेश तक ये बात पहुंचने से पहले ही मैं उसे निगल जाऊंगा।
आधी बातें क्यों कर रहे हो कन्हैया? क्योंकि मैया ने मुझे बांध रखा है ना, मुझे तुम छोड़ दो ना। मैया हम पर क्रोध करेगी तो? आजकल क्रोध कर रहा है, मैया क्यों करेगी? रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। और बात क्यों रही थी तुम दोनों? इस सदासुर की अवज्ञा कर रही हो तुम। हमें बचाओ, हमें बचाओ। मैं तुम्हें अपना भोजन नहीं बनाने वाला। मुझे बताओ कृष्ण कहाँ है? कृष्ण? हाँ वही जो बांसुरी बजाता है और लुका छुपी खेलता है। मथुरा में तो कोई कृष्ण नहीं है। मथुरा? क्या ये मथुरा है? हाँ ये मथुरा है, हम मथुरा की है। पानी भरकर वापस जा रहे थे तो तुमने इसका अर्थ है उस बालक ने मुझे गोकुल भेजने के स्थान पर मथुरा भेज दिया। अजगर गोकुल आने वाला था परंतु गया मथुरा की दिशा में। तुम मथुरा की बातें क्यों कर रहे हो कान्हा? तुम तो जमुना के बारे में बात कर रहे थे ना? जमुना बेसुध हो गई है। जमुना बेसुध हो गई है? कृष्ण तुम्हारी कहानी बड़ी रोमांचक होती है। लीला लीला थारी की मैया जान न पाई, कान्हा जी को बांध कर दंड दे रही माँ। यशोदा हमारा कृष्णा अद्भुत बालक है, ऐसा लगता है जैसे कृष्णा भविष्य में झांकता है। कदाचित इसीलिए वो कह रहा था। मैया जमुना आने वाली है। हाँ यशोदा, और मैंने उसकी शरारत समझ के कृष्ण को दंड दे दिया। जी मैंने क्या कर दिया कृष्ण? मैया भी यहाँ पर नहीं है, पिताजी भी यहाँ पर नहीं है, बड़ी माँ भी नहीं है, गोपियाँ भी नहीं है। अब तुम थोड़े समय के लिए विश्राम करो और मुझे भी विश्राम करने दो। मौसी अब हर कोई तुमसे प्रश्न करेगा। कमाल की लड़की है ये भी, शादी के मंडप में आके इसे बेहोश होना था। सी उठा के रख दो इसे एक तरफ, या फिर चाहो तो किसी बैत के हवाले कर दो। मौसी क्या कह रही हैं आप? जमुना? मौसी आपने पहचाना नहीं, ये जमुना है। नहीं नंदराय जी। मौसी सबने पहचाना ये जमुना है, और आप? हाँ मौसी ये जमुना ही है। माँ ये जमुना ही है। चुप! नहीं ये जमुना नहीं है, बल्कि जमुना जैसी दिखने वाली कोई और है। हाँ जमुना तो नदी में डूबकर मर गई। आप झूठ बोल रही हैं दामिनी जी। हाँ आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है, हमें धोखा दिया है। आपने हमें कहा था कि आपकी बहू मर गई है, इसीलिए तो हम अपनी बेटी आपके घर दे रहे हैं। आपकी बहू जीवित है, हर किसी ने उसे पहचाना है।
केवल आप ही सच्चाई को छिपाने के लिए सच्चाई को स्वीकारने से इनकार कर रही हैं। जिस घर में पहले से ही सौतन हो उस घर में हमें अपनी बेटी का ब्याह नहीं करना है। देखिए आप, हमें क्षमा कीजिए दामिनी जी, हम लड़की वाले हैं इसीलिए आप जो कहेंगे हम मानेंगे, इस भ्रम में मत रहिए। अब ये व्यवहार नहीं होगा। मैं अपनी बेटी का भविष्य आप जैसी सास के हाथ में सौंपना नहीं चाहता। जो बहू को बेटी तो क्या, बहू मानने के लिए भी तैयार नहीं है। हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। स्वयं अपने आप बंधन से छूट गया? मैं सच बोल रही हूँ। तुम क्या समझती हो, क्या नंदरानी तुम्हारा ये सच स्वीकार कर लेंगी? कान्हा तूने तो मुझे संकट में डाल दिया। संकट तो टल गया है, समझी? सुमंत का विवाह टूट गया है। वैजी कहाँ है? हरिया, हरिया अंदर आए जी। जाओ वैजी को बुलाकर लेकर आओ। हंस क्यों रहे हो कान्हा? अजगर आ रहा है। अजगर? हाँ, ऐसे 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 करके आ रहा है। कृष्णा ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। क्या मैंने रस्सी को ये चलते हुए देखा? रस्सी कभी चलती है क्या? क्या मुझे भ्रम हुआ था? अजगर की तरह
चलकर समझी। सुमति 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 जी जरा देखिए जमुना ठीक तो है। चल सुमन घर चले। मौसी अपनी बहू को तो अपने साथ ले जाइए। किस बहू की बात कर रही हो तुम यशोदा? माँ जमुना की। चुप। फिर ये कौन है मौसी? जमुना जैसी दिखाई देने वाली कोई और है। मेरी बहू नदी में डूबकर मर गई है। अरे जमुना को होश आ गया है। माँ जमुना को होश आ गया। जमुना जमुना नाटक मत कर। माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ जी मैं तो समझ रही थी कि आप नदी में डूबकर, लेकिन आपको सकुशल देखकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है। क्यों भाई मुझे सकुशल देखकर तुझे क्यों आनंद हो रहा है? कौन लगती हूँ मैं तेरी? माँ जी मैं आपकी बहू जमुना, आप मेरी सासू माँ। बस बहुत हो गया ये ढोंग। मेरी बहू जमुना तीर्थ यात्रा पर नदी में डूबकर मर गई है। तू मेरी बहू नहीं है समझे? नहीं माँ जी ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। पीछे हट, जाने दे हमें। मौसी जमुना को भी अपने साथ ले जाइए। हाँ मौसी। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी आकर रहने लगे। माँ जी मुझे भी साथ ले। तुझे समझ में नहीं आता कि तेरा हमारा कोई संबंध नहीं है? और तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से मेरे पुत्र का विवाह टूटा है। इसके लिए मैं तुझे कभी क्षमा नहीं कर सकती समझी? हट जा मेरे रास्ते से, जाने दे हमें। माँ जी मैंने आपको ढूंढने का बहुत प्रयास किया परंतु आप मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मैं जानती हूँ मेरे कारण आपको बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। कितनी बार कहे तेरा हमारा कोई संबंध नहीं है, तू बार बार हमारे गले क्यों पड़ रही है? तू हमारी बहू नहीं है, नहीं है, नहीं है, समझी? दामिनी जी ये जमुना ही है और आपकी बहू माँ बनने वाली है। मौसी ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। जमुना आप दादी बनने वाली हैं। नंदरानी जी लेकिन मेरे लिए ये कोई खुशखबरी नहीं है। पहली बात तो ये मेरी बहू है नहीं, और दूसरी बात यदि ये मेरी बहू है तो भी मैं इसे नहीं स्वीकार करूंगी। जाने कहां कहां से कुकर्म करके आई है। माँ जी हाँ मुझे मेरा पोता चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि किसी के पाप को भी अपना पोता मान लूं। मुझे अपने बेटे सुमन का बेटा चाहिए। सुना तूने? सिर्फ
अपने बेटे सुमंत का। आज के बाद तेरी हमारी जिंदगी में और हमारे घर में कोई जगह नहीं है। आज के बाद अपना ये काला मुंह मुझे जिंदगी में कभी मत दिखाना, समझी? चल घर, चल घर से। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।